घर की हालत इतनी बुरी हो गई है, बड़ी अच्छी होने वाली है, अच्छी मतलब काम चला हुआ है, सारा सामान फैला हुआ है, पापा ने अपना सामान बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया, मम्मी ने अपना सामान बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया, पहले जो मेरा वाला फ्लोर है वो वाला तैयार हो रहा है, फिर जो अक्षय वाला फ्लोर है नीचे वाला फिर वो वाला तैयार होगा, फिर उसके लास्ट में बेसमेंट। तो अभी एक हफ्ते हमें अब एडजस्ट करना नीचे वाले फ्लोर पर और बेसमेंट में, और सामान बस मेरे कमरे का बचा है क्योंकि मैं लेट सो के लेट उठा हूँ, सामान देखो सारा पैक हो रहा है, सब कुछ निकाल दिया, अलमारी वगैरह सब खाली करनी है, और उसके बाद फिर मैं शायद को पिक करूँगा और जाऊँगा अपना बेड डिसाइड करने की मैं कौन सा बेड लूँ, क्योंकि फ़िलहाल जो है वो बेड जो है ना मेरे छोटे हैं, बेड होते हैं आपका किंग साइज होता है 6 फीट का और मेरी हाइट 6'6" है सॉरी, तो मैं ऐसे क्रॉस होता हूँ अकेला इस बेड पर, ऐसे क्रॉस करके बिल्कुल सोना पड़ता है और बीच में जुड़े हुए हैं गद्दे, देखो बीच में बेड जोड़ के ना एक्सटेंड करा रखा है, तो इसलिए मैं अब जा रहा हूँ नया बेड ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि मैं इसको किसी भी हाल में 10-15 दिन के अंदर अंदर पूरा काम ही ख़त्म कराना है। चलते हैं अब देखते हैं क्या क्या काम घर में होना है, पहले पेंट डिसाइड करना है मुझे, फिर बेड डिसाइड करना है, फिर आपका जो साइड में स्टूडियो है उसका कलर डिसाइड करना है, स्विचेज एक्स्ट्रा मेरे को एक्सटेंड करवाने अपने बेड और स्टूडियोज में काफ़ी लगते हैं स्विचेज, वो स्विचेज एक्सटेंड करवाने, बहुत सारा काम है और बहुत काम है, तो चलते हैं उसके बाद शायद को पिक करके जाएंगे बेड का ऑर्डर देने के लिए। मेरा सामान पैक करके नीचे ले जाओ, तो मेरा पैक करके ले तो जाओ, क्या मैं नहीं खा रहा, आप मेरा सामान पैक करके ले जाओ, सबका रह गया मेरा बचा है मम्मी यार, मेरा सामान नीचे पहुंचा दो, मैं कह रही हूँ जल्दी ले, कान मारूंगा खींची, तो मैं खड़ा हूँ, मैं क्या कह रही हूँ, ये खेस दे दो, मैं कोई पर्दा वर्दा हटाओ मेरे ऊपर से, अच्छा सब बांध तो दो मेरा सामान, मैं ले जाऊंगा, बांध तो दो, अच्छा इतना तो कर सकते हो, बांध सकते हो ये बांध दो एक उसमें गठड़ी में, मैं ले जाऊंगा प्लीज यार मम्मी, भाई मम्मी का जो कमरा है ना वो मैंने लिया है, लिया नहीं मेरे को मिला है, क्योंकि मम्मी ने ले लिया दादी वाला कमरा, दादी के लिए नया बन रहा है और ये वाला दीदी के लिए, मतलब सबके कमरे के भाई से लेके बड़े बाबा से सबके कमरे शफल हो चुके हैं और सबको द्वार से कमरे जिसको जो अच्छा लगा जिसमें ने लिया है, मुझे मम्मी का कमरा पसंद था इसलिए मम्मी पापा ने मुझे अपना कमरा दिया जो कि बहुत सुंदर है, तो अब उठ के जल्दी से लिए पर्दा ओढ़ के सो रहा हूँ, भाई पता नहीं कंबल वम्बल खेस वेस खान पहुँचा दिए, जब उठा तो पर्दा ही ओढ़ रखा था मैंने, बस मेरा ही कमरा बचा है, बाकी सभी कमरों पर खाली हो चुका है, बस मेरा कमरा खाली बचा होना बचा है, बाकी अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पेंट मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, शर्ट है क्या, शर्ट है क्या, टी शर्ट है जो सब वगैरह फेंकने की, ये सब तेरी पता क्या है वो, ये सारी फेंकनी, वो ग्रीन वाली शाइनी गिफ्ट की थी पहली चीज़ जो मुझे की थी, तो फिर वो टी शर्ट थी मेरे बर्थडे पे 2015 में दी थी, पहन तो नहीं पर रखी हुई है, और अब फेंकने की बात कर रहे हो मम्मी, ये मत फेंकना इसको अंदर डालो मम्मी, मम्मी प्लीज यार अनाथ आश्रम में नए कपड़े देना, ये नहीं तुझे नहीं जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा, ये इतने प्यार से दी थी उसमें, हाँ नहीं तो मैं अच्छा नहीं लगेगा इस वॉल पे, जब वो सब चल रहा है ये बहुत डार्क हो जाएगा, ये नहीं ये नीचे बहुत डार्क हो जाएगा, मैं तो ये करा रहा हूँ, ये वाला नहीं, ये कराऊंगा स्टडी रूम में, स्टूडियो में, और ये कराऊंगा अपने बेडरूम में, अच्छा ये वाला हमारे में भी यही हो रहा है, या तो पूरे घर में एक ही कलर करा लो, पूरे फ्लोर पे एक कलर करा लो, पूरा घर में एक करा लो, सबसे बढ़िया रहेगा, आजकल कुल कोई डार्क करा ही नहीं रहा, नहीं मैं तो पिंक करा रहा हूं, तेरा करा देंगे कोई दिक्कत नहीं, अच्छा वो तो एक दिन समय तो मार होगा, बेटे पसंद करेगा, अबे ये भी वाइट बाहर हो रहा है, अच्छा ये नहीं होता, ओके अंजी हां देख वीडियो पर सात दिन गुजारे हैं, मैं इलेक्ट्रिक का जो सामान हमारे घर में लगना है नया वो उसका चीज़ें नोट डाउन कर रहा हूँ कमरे बाय कमरे, अभी पहले पापा कमरा तैयार हो रहा है, अभी पापा को कमरा मिला, अभी मैं आपको सब चीज़ बताने वाला हूँ, अभी बस जो है वो आपको बस दिखा रहा हूँ कि सब चीज़ आराम से बैठ के समझाऊंगा, भाई बस अब मेरा ही सामान बचा है, पूरा फ्लोर के हालात दिखाता हूँ क्या हो रखी है, अब उसे एग्जैक्ट 15 दिन लगेंगे इस फ्लोर में रेडी होने में लगेंगे 6 से 7 दिन, और आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको कहीं ड्रिलिंग मशीन चल रही है अभी कुछ चल रहा है, हालत देखो मेरे घर की कितनी मस्त हो रखी है, मैं सो के उठा और घर की हालत ऐसी, तो देखो ये मेरा कमरा पैक होकर बस निकल रहा है, ये कम
ये कमरा जो है मम्मी को मिलेगा और मेरा कमरा अब होगा ये है मेरा कमरा मस्त, ये मेरा कमरा मस्त। अभी सामान शिफ्टिंग चल रही है, मम्मी पैक कर रही है, एक छोटा सा और मेरा बचा हुआ है जो मेरी बुक्स वगैरह मेरे सर्टिफिकेट्स हैं और चार्जर वगैरह ये सब कुछ मैंने देखा है, गत्ते में भर के रख रहा हूँ कि टूटने वाला सामान है। बाकी ये जो है ये जो मेरा स्टडी रूम था वो स्टडी रैक मैंने आपको बताया, जिसने मेरा होम टूर नहीं देखा उसको होम टूर मेरा मिल जाएगा वीडियो में, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा वो देखना। ये रेनोवेट होने वाला था, मैं बताया था उस वीडियो में कि इसका स्ट्रक्चर चेंज होने वाला, तो इसलिए मैं आपको पहले ही दिखाना चाहता था अपना घर कैसा है। अब ये देखो पेंट वेंट सब स्टार्ट हो गया, ये पूरा जो मैं करा रहा हूँ पेंट ये तो आपको बता दिया होगा, ये स्टूडियो में अपने करा रहा हूँ पूरा वाइट क्लियर वाइट एकदम जो करा रहा हूँ, क्लियर वाइट ही बोलते होंगे मुझे नहीं पता क्या बोलता है, पर बिल्कुल वाइट कलर करा रहा हूँ, ऑफ वाइट करा रहा हूँ बेडरूम में। इसका पूरा ये बनेगा स्टूडियो शूट के लिए और बनेगा पूरा स्टूडियो। ये मेरी बहन का कमरा जो अभी मैं यूज़ कर रहा था फिलहाल, अब मैं नीचे जा रहा हूँ, ये लास्ट बचा है पैक हो चुका है, ये सारा सामान फैल गया है, जो वर्कर्स हैं वो गए लंच पे। तो अब कर लिया सामान शिफ्ट, अब निकल रहे हैं शायद ऊपर करने के लिए, कपड़े चेंज कर लिए पर मैं अभी नहाया नहीं हूँ, हटो गैस पर चलो चलो चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। मैंने शायद को टाइम दिया था 4 बजे का, बज रहे 5, मैंने चाय भी ले ली पर्सनली, कुछ चीज़ भूलते रहता, अरे एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ, अरे रे रे रे, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं बनता, इस चीज़ को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो गाइज जैसे कि आजकल जैसे आपको पता है पेंडेमिक चल रही है, तो आपको गवर्नमेंट बार बार एक चीज़ कह रही है कि आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है, तो इम्यूनिटी बूस्ट और स्ट्रांग करने के लिए आपको एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है वाओ लाइफ साइंस का टर्मिक कैप्सूल्स। तो ये आपको इम्यूनिटी बूस्ट और स्ट्रांग करने के साथ साथ ही ये आप की बोन्स और आपके जॉइंट्स को भी इंप्रूव करता है। एंड गाइस दिस कैप्सूल आल्सो हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर लीवर, आजकल इतना सब कुछ हम गंदा खाते हैं लीवर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपके लीवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, आपको एक बेटर स्किन भी प्रोवाइड करता है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको मिलती है 60 नेचुरल वेजिटेरियन ग्लूटेन फ्री कैप्सूल्स एंड ईच कैप्सूल कंटेन्स अ हेल्दी डोसेज ऑफ 200 mg टर्मरिक कंसेंट्रेट्स एंड 200 mg टर्मरिक पाउडर एंड 5 mg पाइपरेन and it also provide multiple wellness benefits backed by traditions and science. And guys, wow की खास बात ये है कि women made and women powered, इनके staff में अभी 80% of women हैं. These women are employed in various departments, are the factors behind their exponential growth trajectory. तो एक बहुत ही अच्छी बात है. And wow have 0% tolerance when it comes to animal tests and animal cruelty. So their products are cruelty free and do not contain any animal derived ingredients. तो गाइज बड़ी अच्छी बात है और इनके प्रोडक्ट्स कोई भी एनिमल को हार्म नहीं करते हैं। एंड गाइज डाउनलोड वाओ ऐप फॉर सिमिलर शॉपिंग एक्सपीरियंस, आपको ये ऐप इजीली प्ले स्टोर मिल जाएगा, जैसे आप डाउनलोड करेंगे आप इसको ओपन करते हैं आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी शॉपिंग करने के लिए। और गाइज मैं आपको ये प्रोडक्ट हाईली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इम्यूनिटी आज के टाइम पे बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ के लिए, और ये प्रोडक्ट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपको हर चीज़ में हेल्प करता है। अब वो दूध में हल्दी मिलाने वाला सीन खत्म कीजिए, वो बहुत ही बोरिंग है और वो पिया भी नहीं जाता है, पूरे दिन हल्दी की फेसेस मुंह से स्मेल आती है। तो बस आपको करना है इसका ये कैप्सूल लेनी है और मॉर्निंग में आपको ये पी के कभी भी आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, इवनिंग में ले सकते हैं, आप दो टाइम ले सकते हैं इस डोज को एज पर योर रिक्वायरमेंट, बस आपको पानी के साथ ये डोज लेनी है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहने वाली है। तो गाइज अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, गो एंड ऑर्डर नाउ। एंड गाइस चलते हैं शाय के पास, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने दिखाया घर में बहुत काम चल रहा है, खाली ऊपर फ्लोर का सामान शिफ्ट करने में मुझे कम से कम 3-3.5 घंटे लग गए नीचे बेसमेंट में और फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट करने में, पर अब मैं निकला हूँ घर से, बज रहे हैं 5 पर अब भाई ठंड बढ़ गई है, मतलब अच्छी ठंड होने लगी है डेली में, रात तक 5-6 बजे बाद आपको ठंड महसूस होने लगी है अच्छी तेज़, और रात को तो बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। अभी बज रहे हैं ऐसे 5 लग रहा होगा, जैसे 7-8 बज रहे हैं, थोड़ा अंधेरा होता जा रहा है।
तो गाइज अभी मैं कर रहा हूँ शाय का वेट और जाना है मुझे बेड देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो मैं बुक कराऊंगा, नहीं पसंद आया तो मैं ऑर्डर करके आऊंगा। तो शाय आ गई है, अब शाय गुस्सा करने वाली मेरे को, अब तक दरवाजा नहीं खुला। कैसे हो, कैसे हो शाय? बड़े दिनों बाद मिले हो, कहाँ गायब थे? गायब तुम थे। अच्छा गायब मैं था? अच्छा आ जाओ आ जाओ। बहुत ठंड हो रही है, चिन्नी पिन्नी से। और मैं ठंड हो रही है ना, रात को बहुत ठंड होती है। मैं इनको बता रहा था, इनको बता रहा था मैं कि दिल्ली में बहुत ठंड होती है। तो दिल्ली में रहने वालों को तो पता होगा ही यार। बजे का बोल के 5:30 यार, मैं क्या बोलता कि भाई मेरा घर बिल्कुल बिखर पड़ा। मुझे एक बेल्ट ढूंढने के लिए अपनी मतलब 4-5 कमरों में ढूंढा हुआ सामान जो बंदा रखा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ मेरी बेल्ट कहाँ है, मेरी पैंट कहाँ है, मेरी जीन्स कहाँ है, मेरी टी शर्ट कहाँ है, पता ही नहीं चल रहा है। आप ज्यादा कौन जानता होगा शिफ्टिंग यार कितनी डिफिकल्ट होती है। ओहो चले, इसीलिए आई हूँ ना टाइम खराब करके। मेरे को भी जाने थी मार्केट, जाना था मुझे। 100 काम है यार मेरे पास। 100 काम है मेरे पास, 1000 काम है मेरे तो आज से स्टार्ट हुआ है। जाओ और देखो कौन सी सीरीज देखनी होती है तुम्हें। मिर्जापुर 2 देखो ना, बहुत सारे काम में सबसे पहले सीरीज आती है, फिर सोना आता है, फिर लेट नाइट पीवीआर साकेत पे घूमना होता है, उसके बाद जो टाइम मिलता है फिर कुछ नहीं यार। जिंदगी में क्या टेंशन है, ये है तुम्हारे काम में सिंगल हो गए तो चलने ड्रामे। आते ही पैंट पटर 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 स्टार्ट हो जाती है इसकी। अच्छी लगती है मुझे चीज, बुरी नहीं है। नहीं हम नहीं बोलूंगी। अरे नहीं यार ये तो चीज अच्छी लगती है यार, इसके बिना नहीं तो फिर फीका फीका लगता है। जब तक ऐसे चिल्लाती नहीं, बात नहीं करती, अच्छा लगता है। ये हम साथ जाके लेके आए थे ना पूरा डिब्बा इसका। ये वाली रिंग्स का जो भी है, कीर्ति नगर यार मैं गया था, पर कीर्ति नगर बहुत कॉस्टली है। 45,000, 40 से 45,000, मतलब पापा ने जो पापा अभी गए थे थोड़े परसों गए थे पापा बेड के लिए, 40,000 से नीचे जो बेड मुझे चाहिए वो 40,000 से नीचे मिल नहीं रहा है, और वो भी बिल्कुल ही लो क्वालिटी में। तो आप मतलब अच्छा बेड पापा ने बोला कि भाई 80-90,000 कीर्ति नगर, भाई मेरे औकात से बाहर है। सही रहेगा 2 फीट का बढ़िया, और 6 इंच का गद्दा, 6 इंच से कम गद्दा नहीं हुआ तो मेरे वजन दब जाएगा। कर दे फाइनल फिर क्या बताओ ना, तो आप बताओ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो लेने को तैयार हूँ। साइड टेबल एक साइड की, साइड टेबल एक साइड की, ये लड़का पागल हो गया, रोड पे लेट गया, रोड पे लेट गया, पैर नहीं आए इसके, सिर भी नहीं आ रहा, उठ जाओ। पूरा 1 फुट अच्छा जी, अपने कैमरे की आदत लगा रखी तुम्हें। हाँ जी, मैंने बेड का ऑर्डर दे दिया 6x7 का, मैं को लगी है भूख तो मैं कुछ खाने जा रहा हूँ, और थोड़ा सा नाराज भी, गुस्सा तो यहाँ रखा होता है। आजकल मैं गुस्सा नहीं करती, गुस्सा करता है। बेसमेंट में ऊपर है? बेसमेंट में, बेसमेंट में। हम लोग फिजा के घर के बिल्कुल पास में हैं, वो रहा है फिजा के घर का रास्ता। हाँ बिल्कुल साउथ फील, साउथ फील। हम क्या खाते हैं बताइए? अरे कुछ हर चीज है भाई, रबर इडली, वेजिटेबल इडली, दही इडली, फ्राइड इडली, स्टीम राइस, फ्राइड इडली,
अभी तक इसका मेन्यू डिसाइड नहीं हुआ है। मेरा तो हो गया वेजिटेबल इडली। सबसे पहले यहाँ पे नैवेद्यम में ना ये एक रसम नाम से कुछ है, वो सर्व होता है गर्म है, वैसे तो ठंड में गर्म गर्म मिलता है। लास्ट टाइम मैं पिज़्ज़ा के साथ आई थी तब मैंने ये पिया था, टेस्टी होता है, खट्टा सा। मैगी मसाला पानी में गर्म करके मतलब कुछ है टेस्टी को छटकारे से लग रहे हैं बिटर में। टेस्टी है, चटपटा है, चटपटा है, टेस्टी है। तो पियो ना। मैं मसाला ज़्यादा खाने पीने पाता ना, मैं बीमार हूँ। बीमार? हाँ, मैं मसाला नहीं खा पाता ना इसलिए। नहीं यार टेस्टी है खाना, मैं सच में फैन हो गया इसके डोसे का। ये कोई हैशटैग नो प्रमोशन यार। पता चले यहाँ से पिज़्ज़ा आ रही हो। खाए कुछ मीठा? अच्छा वहाँ से भी बजा रही रसम की स्वीट में खाए मैसेज खाने को मस्त है। गुड बुड ना, मैं गुड बुड इसके आगे लिखा ना, मस्ट ट्राई। ये भी ट्राई करो, दो आइटम मंगा रहा है। कितना होता है इसका? एक पीस है खाली। कोई बात नहीं, मैंने मीठा ज़्यादा खाना भी नहीं है। मत बोलो लोग ना, रुक जा, फोकस नहीं हो रहा। दिस वन इज मैसूर पैक। मैं इनके डेजर्ट्स देख लो, मैं इन्हें क्या मिला। गुलाब जामुन। गुलाब जामुन है पक्का? हाँ गुलाब जामुन है पक्का। मुझे दिखने में कुछ और लग रहा था, गुलाब जामुन है। देखने में क्या लग रहा है? ये आपका मैसूर पैक है, मैसूर जो कि मस्ट ट्राई है इस एरिया के, तो हम ट्राई करते हैं। भाई साहब तोड़ दिया लड़के ने टेबल। पीछे को थोड़ा और शॉप कर दिया। तो पागल है ये, क्या किया तुमने? मेरा खा लिया, मेरे लिए ये बचाया। बहुत टेस्टी था। थैंक, आई हेट यू फॉर दिस। मजा आ गया बिल्कुल, बहुत पसंद आई यार ये चीज। ट्राई कर लो। मैंने सिर्फ इतना सा छोड़ा है। एक किसान वाला बहुत मीठा है। एक किसान वाला बहुत टेस्टी है। दिल मुझे इतना टेस्टी लगा। इसके साथ डिप करके खाओ। मैं इसके साथ डिप करके खाओ। ये रसम है यहाँ की। ये रसम है, भगदा लगा रही रसम होती है अब तक तो। एक्चुअली इनकी वेलकम टीम पे वेलकम। तो अभी एक्चुअली शॉपिंग के बाद हम चले गए थे मैं और शाय डिनर करने के लिए, मतलब डोसा खाने के लिए। शाय ने बोला अच्छा मिलता है और सच में बहुत अच्छा डोसा था। तो फिर शाय को मैंने ड्रॉप कर दिया, शॉपिंग करने गया था मैं। मैंने अपना बेड ऑर्डर कर दिया जो कि मेरे पास आएगा 7 से 8 दिन में, वो बन के घर पर आ जाएगा। और करने का था शॉपिंग में, और शाय को वहाँ पे एक सेठ ही पसंद आ गई और शाय ने वो खरीद ली, और वो मेरी गाड़ी की डिग्गी में भूल भी गई इनफैक्ट। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ, घर आ चुका हूँ, काफ़ी लेट हो गया हूँ, सब सो गए हैं घर पे। अब घर में जाऊँगा, काफ़ी बिखरा पड़ा है घर, आज मुझे नीचे सोना पड़ेगा। अब एक हफ्ता मुझे नीचे सोना पड़ेगा। तो गाइस अब आप पूछ रहे होंगे कि ये प्रिपरेशन किस लिए है और क्यों है, तो इस प्रिपरेशन की वजह मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको सब चीज़ डिटेल में आपको सारी चीज़ बात करेंगे, और कोई भी क्योरीज है, कोई भी मतलब कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको सबको जवाब मिलेगा उस चीज़ का, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा। तो जो भी आप कमेंट इसमें पूछेंगे उसका आपको जवाब नेक्स्ट वीडियो में पक्का मिलने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो सच में अब तक की मेरी सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो नेक्स्ट वीडियो होने वाली। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, और आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। चलता हूँ, नींद आ रही है बहुत तेज़, नींद पूरी नहीं हो पा रही, डार्क सर्कल्स हो गए इनफैक्ट। 3 दिन से मैं ढंग से सो नहीं पाया हूँ, तो अभी जा रहा हूँ मैं सोने के लिए। ये व्लॉग मोस्टली आपको कल या परसों तक मिल जाएगा आराम से। तो गाइस बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल गाइस।